दोस्तों इस वीडियो के अंदर कोई भी अपडेट देने वाला नहीं हूँ, इस वीडियो के अंदर एक न्यूज़ देने वाला हूँ और जिस न्यूज़ के बारे में आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसा कुछ चल रहा है शायद जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा और आप भी शायद उसके ट्रैप में आ जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आदमी इस ट्रैप में फंस जाए या इस स्कैम की शिकार बने। दरअसल बात यह है दोस्तों, आप सबको तो पता है कि अलियानाज अपनी ऐप के अंदर वो लाइव स्ट्रीम करता है, वीडियो कॉल में बात करता है, ये सब कुछ करता है और जिसके बदले में पैसा लेता है। यही तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद आता है प्रॉब्लम। बहुत सारा ऑडियंस की ये कहना है और ये मानना है कि अलियानाज ने किसी से बात करने के लिए जब पैसा लेता है उसके बाद उससे बिना बात किए उसे ब्लॉक कर देती है, पैसा लिया और उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया, बात नहीं किया। इसके अलावा मीटअप करने के लिए मीट करने के लिए भी पैसा लेता है, लेकिन फिर भी पैसा लेने के बाद उसको ब्लॉक कर देता है। भाई ने तो सोशल मीडिया पे इस चीज़ के ऊपर बोलते हुए मुंबई पुलिस को टैग भी कर दिया है। तो दोस्तों शायद कुछ तो बात है, क्योंकि ये बात मुझे इतना खटक रही है इसलिए क्योंकि आप लोग अलियानाज की इंस्टाग्राम आईडी पे जाके चेक करोगे तो उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे कोई भी कमेंट सेक्शन पूरा ऑफ है। कोई भी पोस्ट की आप उठा लो, चाहे वो पुराना हो या नया हो, मतलब उसकी पोस्ट के नीचे आप तो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, लेकिन कोई कमेंट नहीं कर सकते हो। कुछ तो बात है दोस्तों, आप इसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है? मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो बात हुआ है इस चीज़ को लेकर। मैं तो कभी भी उस ऐप के अंदर विजिट नहीं किया हूँ तो इसलिए मुझे सही से पता नहीं, लेकिन दोस्तों आप लोग किसी को पैसा देने के पहले दो बार जरूर सोचें। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, ये सच में स्कैम है या दूसरा कुछ है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना।